किसान का फार्म भरा और कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। गरीब आदमी है इसलिए कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। गिद्धिंग आदमी गरीब है ये सब एक साल समझने चाहिए। जिनने तो सेठ सेठ आदमी से ले लिए और उनके लिए कर दिए पैसे, और जो गरीब है उनके लिए कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। चोरे में पड़े हैं, हमारा मकान टूटा पड़ा है और कभी भी गिर सके और कभी भी हम दब सके इनके नीचे। साल हो गई फायर लगाए भी और नगर पालिका के चक्कर करते करते पैर भी दुख गए। हमारे कोई सुनाई नहीं करता हमारी। हम अपने बच्चे ने लेके भी 10-11 महीना किराए पे रहे हैं। किराए वाले ने लॉकडाउन की वजह से और के या किराया मतलब बहुत ही माफ कर रहा है, इसलिए हम उसने किराए से निकाल दिए। अब ये कोई तरीका है ये करने का? और मतलब कोई गरीब आदमी है वो उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जो अमीर है उनकी सुनवाई कर रहे हैं, उनका ही मकान बनवा रहे हैं और गरीब आदमी कोई मतलब ही ना है सुनवाई करने। घर के न घाट के, जी हाँ सही सुना आपने। दरअसल ये कहानी पुनहाना कस्बे के वार्ड 10 की हरिजन कॉलोनी में रहने वाले गरीब लोगों की है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मिलने वाले मकानों के चक्कर में अपने पुराने वे खंडर मकानों को तोड़ डाला। लेकिन 3 साल का कार्यकाल इंतजार ही इंतजार में गुजर गया और गरीबों को मकान नहीं मिल पाए। आरोप है कि जिला उपायुक्त से लेकर सीएम विंडो में भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी नगर पालिका के कर्मचारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। कैमरे के सामने हरिजन कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पालिका के अधिकारियों ने मिलीभगत करके गरीबों के बजाय अमीर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा पहुंचाया है। आइए सुनाते हैं आपको आसियाने के आस में 3 साल से इंतजार कर रहे गरीब लोगों ने क्या कुछ कहा। हेमराज मेहता है, मैं पंजाबी समाज से हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम आई थी 2.5-2.5 लाख रुपए की मकानों के लिए गरीबों के लिए, तो उसके बावजूद जी हमने 15/7/2017 को फॉर्म भरा था और उसके ऊपर रसीद भी है, लेटर मिला हुआ है जी। और जी अधिकारी क्या कहते हैं कि मेरे कहते हैं कि नक्शा बनवाओ, हम दरखास्त देते रहे, जो पर्सनल मकान बन रहा हूँ उनका नक्शा एक भी नहीं है। जो सरकार लागत दे रही है उसके लिए सोनू नाम का व्यक्ति है 5,000 में नक्शा लिए, जबकि गरीब आदमी इन्होंने अपना जेवर गिरवे रख कर किसी मजदूरी कर नक्शे बनवाए। हम दरखास्त देते रहे जब हमारे लिए नक्शा फ्री बना। अब कहाँ ही अटका दी गरीबों के लिए DPC करवाओ। अब DPC आदमी कहाँ से करवाए, रोटी के लाले पड़ रहे हैं गरीबों को, उन्होंने दुखम सुखम ब्याज पैसे लेकर कैसे कर उन्होंने DPC करवाई। वही कहानी हमारी जल जाती DPC के लिए। हमने DPC के लिए ईंट सीमेंट रोडी बजरी मंगाई। कल अंकित नाम का जेई बोला कि भाई ये तो हाउसिंग मोकलोन जगह है, जबकि हाउसिंग मोकलोन जगह है सर, वो हमने जगह मोल ली है। सरकार ने दान नहीं दी हमको, हमने मोल ली है, किस्तों पर ली थी, जब मोल ली गई ली तो हमने मोल ली है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत हमें लेटर है, रसीद है, हाउसिंग मोकलोनी की, लेकिन दिखा दीजिए। हाँ जी, बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में जी हम कल गए, उस जेई साहब ने आश्वासन दिया कि मंगलवार को एक सर्वे वाला मोहित नाम का लड़का है जी, वह आएगा, हम उससे मतलब बात करके जब बताएंगे। तुम जब अब तक तुम बताई नहीं, अब क्या बताओगे? 3 साल बीत गए। कौन से विभाग का जेई है? नगर पालिका विभाग का है जी, अंकित नाम का। नगर पालिका? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम ये लोग चाहते हैं कि जो हमें सरकार ने सहायता करी है, जो घोषणा की है, जो गरीब है, हिंदू है, जो मुसलमान है, सबका साथ सबका विकास, वह पैसा सबके वहाँ तक पहुँचना चाहिए। हकीकत में जो गरीब है कोई भी समाज का है। आप लोगों ने कोई शिकायत की इसकी? शिकायत हमने इतनी की थी 14/9/2018 की थी, 18/2/2019 को की थी, 4/6/2019 को की थी। उसमें साफ लिखा रखा था कि जब सीएमएनडो की इंक्वायरी आती है कुछ अधिकारी जवाब बना कर देते हैं। मंडल अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी बिसरू, जो भी इंक्वायरी आती है अधिकारी ने आज तक मुझे बुलाया नहीं, जवाब बना के आप देते गए। हम लगते रहे। लास्ट में जो हमने 12/10/2020 को अनिल विज को मेल की है, अमित शाह को की है, प्रधानमंत्री जी को की है, खट्टर जी को की है, वो ईमेल की रसीद मेरे पास है जी। 3 साल हो गई फाइल लगाए भी और नगर पालिका के चक्कर करते करते पैर भी दुख गए। हमारे कोई सुनाई नहीं करता हमारी। हम अपने बच्चे ने लेके भी 10-11 महीना किराए पे रहे हैं। किराए वाले ने लॉकडाउन की वजह से और के या किराया मतलब बहुत ही माफ कर रहा है, इसलिए हम उसने किराए से निकाल दिए। अब ये कोई तरीका है ये करने का? और मतलब ये कोई गरीब आदमी है वो उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जो अमीर है उनकी सुनवाई कर रहे हैं, उनका ही मकान बनवा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित है सर। अंकित जी,
किस पद पर आप नगर पालिका में कार्यरत हैं? मैं जे एज ए जूनियर इंजीनियर हूँ। सर, जिस तरीके से वार्ड नंबर 10 की हरिजन जो कॉलोनी है उसमें 60 से 70 ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास मकान नहीं रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सरकार ने जो स्कीम चलाई थी 2017 में जी, उसके तहत उनको 2.5 लाख रुपए मिलने थे मकान बनाने के लिए जी, लेकिन अभी तक ना तो उनके लिए मकान मिले हैं और सारे लोग जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। क्या वजह है सर? एक तो हमारे यहाँ स्टाफ की कमी होने के कारण, और दूसरा कि जो हमारे अभी अभी नगर पालिका के द्वारा 18 लोगों को एल पेमेंट कर दी गई है, धीरे धीरे उनकी फाइलें जमा हो चुकी हैं, धीरे धीरे उन सभी की पेमेंट कर दी जाएगी। उनका आरोप है कि जो पेमेंट अभी जारी की है आप लोगों की तरफ से, उनमें कुछ ऐसे आदमी हैं जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, अमीर आदमी हैं, और गरीब आदमियों की कोई सुनाई नहीं हो पा रही। नहीं, ऐसा कोई नहीं, जो हमारे पुराने स्टाफ था उन्होंने उनको बाकायदा फाइलें एवं उनको मौके पर जांच की है और उन्होंने ये पास की है। आरोप ये भी है कि आपकी तरफ से सीधा आरोप है कि उनका आरोप है कि जो जय साहब हैं वो इस तरीके से नए नए जो है उनमें उलझा रहे हैं लोगों को। नहीं, ऐसा कोई नहीं, जो सरकार के जो कंडीशन है वो हम पूरा कर रहे हैं, उसके अलावा कई तरह की कंडीशनों में उलझाया जा रहा हमें जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते, जबकि वो सरकार के गाइडलाइन अनुसार नहीं है वो कंडीशन। सरकार जिन्हें को भी ऐसी समस्या अभी आकर हमसे मिल सकते हैं, ऐसी कोई भी जो गाइडलाइंस हैं कंडीशंस हैं वे गवर्नमेंट जो PMAY की स्कीम है उसके तहत ही उनको बताई जा रही है ताकि अपनी फाइल को पूरी करें और इस कंडी जो ये स्कीम है इसका लाभ लें।